हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब भाई? होप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी कर रही हूँ कपड़ा फोल्ड, सब काम मैंने कर लिया है। और अभी काम बचा हुआ है मेरा कपड़ा फोल्ड करने का। ये मैं इसमें लगी हुई हूँ। और आज मैंने कल जो मैंने मेहंदी लगाया था, फिर रात में लगाया तेल, और उसके बाद अभी अच्छा से अभी ये सूख रहा है। आज फिर माथा धुलाई किया, शैम्पू किया, कल तो शैम्पू नहीं किया था। और अभी बाल सूख रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम से खुद भी एकदम शाइनिंग भी हो रहा है और सॉफ्ट भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो हिना भी बीच बीच में करना चाहिए, बहुत दिन हो गया था किया ही नहीं था, इसीलिए मैंने कल किया। और भाई अभी चिंटू अभी पढ़ रहा है और गैस अभी वो भी कुछ अपना कर रहा है। मैं अभी कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। चलिए, कपड़ा फोल्ड मैं करती रहूँगी और अभी मिलवा देती हूँ दोनों बच्चों से। ये अभी पढ़ रहा है, इधर पढ़ रहा है कि सो रहा है? हाँ, कैसे कर रहा है तो पता ही नहीं चल रहा कि सो रहा है नहीं कि पढ़ रहा है। हैं, अभी इसका ध्यान रख रहे हैं यस और हम दोनों मम्मी बेटा कि ये क्या कर रहा है। देखिए इसमें हल्का सा शाइनिंग आ रहा है, लग रहा है क्या भाई? आ रहा है ना, क्योंकि अभी गीला है ना इसीलिए कम दिख रहा है, जब सूख जाएगा तब ज़्यादा दिखेगा। और सॉफ्ट भी लग रहा है पता है। अरे बहुत दिन में लगाया है लेकिन। तो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ हॉल में, अपना काम कर रही हूँ, इसको मोबाइल देती हूँ, ये अपना पढ़ेगा। अभी एग्जाम का टाइम अभी हो गया है शाम, और अभी और है बच्चों का एग्जाम का टाइम एकदम नज़दीक। और देखिए बच्चे अभी रूम बंद करके गाना सुन रहे हैं मस्ती से। देखिए जोर जोर से, मैं अभी सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। जाके वो लोग से पूछ रही हूँ किस खुशी में तुम लोग इतना जोर जोर से गाना सुन रहे हो। तो जाके मैं देख रही हूँ और मैं इतना साउंड मेरा खुद ही मचा के रखी हूँ कि उसका आवाज़ नहीं सुने जाके वो लोग का भी। लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि थक चुके होंगे इसीलिए थोड़ा देर गाना लगा के वो लोग अपना थोड़ा देर इंजॉय कर रहे थे। कॉपीराइट नहीं आ जाए तब तक मैं कर देती हूँ बंद। तो गाइस, मम्मी अभी शकरकंदी ले करके बैठ गई, अभी शॉर्ट्स बनाई थी। शॉर्ट्स बनाने के बाद डायरेक्ट फिर मैं थक गई, शॉर्ट्स बनाने के बाद फिर खाने लगी। तो इतना देर बना भी लिया? बना के मैंने डाल भी दिया भाई। अच्छा देखो कैसा। तो भाई डेली शॉर्ट्स देखा करो, शॉर्ट्स को भी प्यार दिया करो, डेली देखा करो। देखो तो सही कैसा है, को सब्सक्राइब भी किया करो, अभी से लाइक करो और डेली देखो। हाँ तो बिना छीला हुआ तेरे को चाहिए है। और बच्चे नहीं है देखने दो कैसा है। बेकार बच्चा है ये, इसीलिए उपाय नहीं है। और ये सभी आया नहीं है उसके लिए रख देंगे। बाटी ले क्या बाटी की प्लेट चल इसी में रख दूँ साइड में ना। तो हाँ, वो अभी पहुंचा नहीं है और ये ठंडी हो रही है। शकरकंदी कब से इसका इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए। ठंडी हो गई और अभी ठंडी हो भी गई है, वो उसी के वेट में। चलो वो आएगा तब खा लेगा, उसको ठंडा खाना ही, हम लोग भी खाएँ है नहीं। तो भाई शकरकंदी किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइए। तो गाइस अभी बज गया है 9 और अभी हम बैठे हुए हैं सब। तो आज हम करने वाले हैं प्रैंक, इतना ज़बरदस्त होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है वो तो प्रैंक करेंगे तभी पता चलेगा। तो आज हम मेरा बड़ी बहन मेरा दीदी जो है उससे प्रैंक करेंगे। हम बोलेंगे कि यस अभी ट्यूशन पढ़ा के आया है और ये कोचिंग करके आया है और आज ये दारू पी के आ गया। तो आज हम उसके साथ प्रैंक करने वाले हैं। तो उसका रिएक्शन देखते हैं वो क्या क्या बोलती है। अगर वो गाली देने लग जाएगी तब तो नहीं देगी। हाँ तो भाई आज हम कर रहे हैं प्रैंक, तो आप लोग भी देखना मत बोलना, पूरा ब्लॉग देखना। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन है। न्यू पोथी एक बात बताऊँ थी, मैं न्यू पोथी और शेरू के ट्यूशन पढ़ान जा ना, ये बन भेजो तो हम ट्यूशन खातर। अरे कर क्या हो तीसरा काम उठे से आज यू भी बन को उठे से दारू पी के आए के बेरो छोरा का उनका बाप के साथ बैठे हो के करे भगवान ही जाने हो। और आके न फिर हिसाब से आयो मैं नया लागो कि भाई यो कह चल रहे हो। तो देखो तो के नाम है तो भाई हाँ का मुँह तो मन इतनी भयंकर बांस आई। अब बता के करा फिर के अभी अभी बैठे हो दो तीन तो दिया झापड़ में और बैठे हो अभी
और भाई बहू ना तो आऊंगा रिबा तोड़ूंगा इन ढंग से ले तुम दिखाऊं है देरो ना आन को के फंडो है तो आ भी आन मैं तो वीडियो कॉल करके दिखा रही हूं तू देख आन बोल क्यों तो बात तो करे से शेरू बात करते मम्मी से नू घर मत कॉपी क्या है ना प्यार लग रहा है जोरे दो चार और पाड़ूंगी ढंग से तन बता दी है उड़ान हो रही मैं सुना कौन रहे हैं है ना तुम सुन रहे कौन कितने इतनी बार बोली तुम क्या खतर गए तुम हाँ मैं ट्यूशन ही करा के आया हूँ तो और मैं लग दूंगा इतना डोड़ियो फिर तू तेरी तो हमें सोची कौन थी एकदम विषय में तू किन्यू भी कर ले वो मैं क्या कर दियो तो ला ना ये किन्यू बोला ना रखी मैं क्या कर दियो तो है खतर भेजो तर मैं है थोड़ा बहुत तो दिमाग ना कठे कौन भेजा मैंने लग गया तो एक दिन तू पहले को पहले भी मैंने यही लाग रहे थो कि भाई कर सका है तू ये काम कर सका है फिर मैंने सोचा ये मैंने न्यू यहाँ आती होगी अब लेकिन फिर शर्म नाम की चीज़ नहीं है इसका शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना लाइक कहाँ का बेशरम बेशरम ये बारो खूब नाम कराओ अकेले लाग रहा हूँ ना पढ़ा दी खान है तो अभी क्या करूँ तो इबे देख ले तो ठीक अम्मा हैं तो ना तोड़ना ढंग से तोड़ना पड़ो ठीक है तो अभी टेंशन मत ले मैं इसने बाप देख लूँ चिंता ना कर हाँ अच्छा हाँ ठीक है के बीरू वही मन एक दिन पहले भी लग गयो थो यो जित फिर मैं सोची ना है कि तो सोच ही कौन सकूं मैं लेकिन भगवान जाना भाई है तो बताइयो छोरो एकदम से मान नहीं इसकी वो नहीं थो भाई भगवान जाने यो के करने लग गयो बेरो कौन सी वो दुकुन सी के निकल जाए भगवान ही जाना चल ठीक हन मैं देख रही हूँ तू टेंशन मत ले तो मानू तेरे साथ के मजाक कर रहा था मैं है तू किस जा रहे हैं ये मजाक कर रहा था वीडियो बना रहा प्रैंक कर रहा तेरे साथ मैं ऐसी कोई बात को नहीं हो सके के तो भाई आज हम बना रहे थे वीडियो और प्रैंक किया मेरा बहन एकदम टेंशन में आ चुकी है ये और ऐसी भाई कोई बात नहीं है हम ऐसे ही प्रैंक कर रहे थे हाँ और मजाक कर रहे हैं अरे बड़े सुन दे रहा वो एक बार तो मन भर तो कि भाई क्या हालत खराब हो जाएगी रुको रहे तो एक बार हाँ एक कुछ कौन मजाक कर रहा था क्यों छोरा का मन बेरो मैं वो टेंशन में आगे फिर मैं प्रैंक कर रहा तो भाई अभी कर रहे हैं वीडियो कॉल देखना चल वीडियो कॉल कर वो एक बार चिड़ी बनता हूँ से एक बार हाँ
तो भाई आप देख सकते हैं वीडियो ये लड़का पीता है दारू, ये जो वीडियो कॉल में है। तो ये मेरा बहन देखिए, इसका दिमाग खराब हो गया अभी। उसको दिखो मन्ना वीडियो बना दियो। ये ले भाई पीनियो है, मारो सड़क पीट पी के आ जा। तो सॉरी क्या बेचारी का हालत खराब कर दी लेकिन। तो वही इसकी हालत खराब हो चुकी है ये देखिए। क्योंकि बच्चा को पढ़ने भेजा और करने लग गया उल्टा काम। नहीं किया। तो ये वही ऐसे ऐसे कुछ नहीं किया, ये हम लोग मजाक कर रहे थे, प्रैंक किया इसके साथ में, और ज्यादा देर तक हम नहीं कर पाए, ये और गिर जाएगी कहीं चक्कर खा के, इसीलिए इसीलिए थोड़ा देर का ही किया है इसके साथ है। क्या हो, क्या महसूस किया? होनी थी भाई टाबर या कर दी जी। जाने भाई प्रैंक में रोने लग गई है तो। और के सोचा हूँ साग प्रैंक करा भाई, के करा के करा मुले दे सोचा यही करा मुको इसीलिए। हैं कैसा लगा मेरा प्रैंक? तो भाई आज कर दिया है प्रैंक, और वो कैसा लगा और वीडियो में जरूर बताना। इतना हंसी भी आया, बहुत बहुत हंसी आया। लेकिन वो क्या मतलब क्या हुआ मैं आपको सही से बता देती हूँ कि वो किचन में काम कर रही थी, तो मैंने उसको जैसे भी बताया तो वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो एकदम से है ना उसकी हालत ख़राब होगी, और वो पूरा सहम गई एकदम से, और वो खड़ी रही एकदम से कि वो उसको ये हो गया कि मैं क्या बोलूँ या क्या नहीं बोलूँ। तो भाई उसकी बहुत हालत ख़राब होगी, तो वो डर भी ऐसे गई। उधर में जीजा जी भी थे, तो वो सोची कि अभी उनको भी पता चलेगा तो वो भी हल्ला करेंगे और मैं भी करूँगी, तो इसीलिए वो जीजा जी को भी नहीं बताने के चक्कर में। और वो बेचारी सोची कि चलो बाद में बता देंगे, लेकिन अचानक सुना तो सास ने वो भी डांटेंगे, और इसीलिए वो क्या की मैं अभी क्या करूँ, तू ही देख उधर में, वो तो अभी तू इधर मत भेजना उसको, ऐसे कुछ बोलने लग गई वो, और तू ही देख अभी। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा देर उसका पैर कांपने भी लग गया था, लेकिन है तेरी मम्मी का पैर कांपने लग गया था। तो फिर वो क्या हुआ कि फिर उसके बाद हम सोचा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना देर वो नहीं सहन कर सकती है, इसीलिए मैंने मुखो नहीं, हम मजाक कर रहे थे। तब बोली कि तू ऐसा मजाक मेरे से मत किया कर, मेरा हालत ख़राब हो गया। ऐसे मेरा इतना हालत ख़राब हो गया, बोले बहुत भयंकर, मेरे को ये लगा कि ये लड़का तो ऐसे करने वाला नहीं है, और उसको क्या हुआ जो वो ऐसे करने लग गया। तो भाई वो बेचारी एकदम से डर गई थी, और बात डरने वाला ही है। तो आज कुछ प्रैंक ऐसा था, और कैसा लगा आपको तो ज़रूर कमेंट में आज लिखना, आज इस बात पे तो लिख देना कि आप लोग का आप लोग को ये प्रैंक कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर लिखना। ठीक है, बहुत लंबा ब्लॉग बन गया है, तो इस बात पे, इस प्रैंक पे आप लाइक करो, कमेंट करो, नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय सियाराम सीताराम।